गुड मॉर्निंग। सो फिलहाल तो अभी सभी लोग घर में बस उठ के आए हैं, फ्रेशन अप हुए हैं, बाकी का तो अभी कुछ नहीं हुआ है। आज तो सूरज देवता भी निकल आए, पर हमारे घर में कोई नहीं उठा था और सबसे जल्दी उठना था आज, फिर भी लेट हो गए सब लोग। खैर, आज से शादी के मेन मेन जो फंक्शन है ना, वो सब स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि आज लगन सगाई है जो कि स्टार्टिंग में होती है सबसे पहले। तो फिलहाल उसके लिए हम लोग सब तैयार होंगे। वैसे लगन सगाई तो अभी लेट होगी, अभी तो नहीं है, लेकिन उससे पहले कुछ चाय वगैरह पी लेती हूँ क्योंकि अभी जस्ट उठी हूँ मैं। सो भैया, मैं तो आ गई थी ऊपर चाय पीने और मैं आपको अभी डेकोरेशन दिखाती हूँ। वैसे अभी ज़्यादा नहीं हुई है क्योंकि अभी काम चल रहा है, कल की थी जितनी भी की है ना, ये सारी कल की थी, तो अभी तो काम चालू ही है। हरी हरी मैम, पंडित जी ये कह रहे वो कछु ज्यादा है एडवांस है। वो अपने ऑफिस पर बैठे हैं यार, आने में कितना और फोटो अभी ना लगन लिखी जाएगी, इसलिए अभी मैं तैयार हो रही हूँ और ये वाले कपड़े पहनने वाली हूँ। ये पहने थे राखी दी ने अपनी लगन पे, क्योंकि ये मम्मी की साड़ी है, वो मैं पहन रही हूँ फिर से। चलो पहले मैं तैयार हो लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी लग रही हूँ, है ना। फोटोग्राफी चल रही है ना, ब्याह का फोटोग्राफी चल रही है, बाद में शादी है, मैंने फोटोग्राफी कर लियो तुम, बस ये। सब लोग सज धज के आ जाते हैं नीचे क्योंकि पंडित जी आ गए थे, और मेरी लगन जो है वो हॉल में लिखी जानी थी। पंडित जी आने के बाद फिर वो मेरी लगन लिखते हैं लगन पत्रा पे। मैं आ जाती हूँ पंडित जी के बुलाने पर रूम से बाहर, वो भी हाथों में गेहूं भर के, क्योंकि अब रखी जानी थी मेरे हाथों पे पीली चिट्ठी। अब धीरे धीरे लेके आओ, मैं लगी हुई थी अपनी कलाकारी दिखाने, लेकिन इनकी कलाकारी रंग नहीं लाई क्योंकि इनको ढोलक बजाना आता ही नहीं था। आप पंडित जी रखवाइए। लगन लेने के बाद अब समय आ जाता है आरता करने का, तो आरता मेरी बड़ी बहन करती है, राखी दीदी। पूरी शादी में जितनी नौछावर मुझ पे की गई थी, अगर वो सारे पैसे मुझे मिलते तो आज मैं लखपति ना सही तो हजारों की मालकिन तो होती, वो सारे पैसे ना ही इनके होते हैं।
यहाँ हो चुका था मेरा सारा काम खत्म, तो अब मैं उठ के चल देती हूँ अंदर रूम में, क्योंकि अब यहाँ देनी थी मुझे मम्मी को लगन, लेकिन लगन देने से पहले सबके होते हैं फोटोशूट। बोल तो ना रुक, मैं कर दूं फोटो कर दूं तेरे ही बोल आ रहे फोटो खींचो मेरे को। हम क्यों इतना ज़्यादा हंस रहे थे ये बता देती हूँ आपको। पहले आदि पहली बार मेरे साथ फोटोशूट के लिए खुद से आया था, वैसे हैं तो हम सगे भाई बहन, लेकिन इसका ऊपर का माला पूरा खिसका हुआ है, परंतु आज क्या हुआ ये तो भगवान ही जाने। अब लगन का होने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और फिर से अब मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अब कुछ और हो रहा है, पता नहीं क्या। अभी नीचे जाऊंगी, जब देखती हूँ पहले कपड़े चेंज करके जाती हूँ। अब हो रही थी ताई की रस्म जिसमें तेल चढ़ाया जाता है। आज के ब्लॉग में तो बस इतना ही। अगर आप मेरे विवाह के सारे ब्लॉग देखना चाहते हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। सी यू, बाय बाय।